हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मिमटीज के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। कॉइन मार्केट कैप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेबी डोज कॉइन की प्राइस के अंदर आपको 13% के इंक्रीज में नजर आ रही होगी। प्राइस यहां पे अच्छा खासा मूव दिखा रही है। अब इसके पीछे कौन सा रीजन है वो भी आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर करूंगा। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि भैया अगर आपको मिमटीज की तमाम वीडियोज पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है सेकंड वीडियो बनाने के लिए। बेबी डोज कॉइन ने काफी मकदार के अंदर लोगों की लाइफ चेंज किए और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर ये टोकन लिस्ट भी हो चुका है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर बेबी डोज कॉइन कहाँ पे आपको अवेलेबल होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे सोने पे सुहागा ये कि बेबी डोज कॉइन ने एक और बड़ी एक्सचेंज के ऊपर एंट्री मारी है जिसका नाम है होबी ग्लोबल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं होबी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो कि एक्सचेंज है उसकी तरफ से यहाँ पर एक ट्वीट आया जिसके अंदर लिखा हुआ है यू आस्क वो लिसन। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी का ये मानना था कि होबी ग्लोबल जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे इस टोकन को लिस्ट कर सकती है। ऐसे में इन्होंने अपनी बात को जो है वो यहाँ पे बरकरार रखा है और यहाँ पे जो होल्डर्स हैं उनके कहने के ऊपर यहाँ पे जो है वो लिस्टिंग को पॉसिबल बनाया गया है। ऐसे में जो है वो बेबी डोज कॉइन की कम्युनिटी काफ़ी हद तक बड़ी है और यहाँ पे जो है वो जो एक्सचेंज है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टीज किया जा रहा है और यहाँ पे जो है वो उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि भैया बेबी डोज कॉइन बढ़ती हुई कम्युनिटी के साथ बढ़ता हुआ ऐसा कॉइन है जो कि आप तमाम दोस्तों की लाइफ भी चेंज कर सकता है। ऐसे में जो है वो लिस्टिंग का सिलसिला भी स्टार्ट हो चुका है और जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है उनकी तरफ से बेबी डोज कॉइन को रेस्पेक्ट दी जा रही है और यहाँ पे बेबी डोज कॉइन लिस्टिंग का सिलसिला है वो भी स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे बेबी डोज कॉइन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर का जो टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे इटोरो को भी भैया टारगेट किया जा रहा है एक बार फिर से, वी आर रेडी फॉर इटोरो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इटोरो का टारगेट भी हो सकता है। उसके अलावा बाइनेंस का भी नंबर आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो इस टोकन ने काफी ज्यादा जो है ग्रोथ भी की है, 1 मिलियन से ज्यादा इसके होल्डर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आए दिन प्रतिदिन इसके जो होल्डर है वो भी इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। ऐसे में पॉसिबिलिटीज हैं कि जो बड़ी बड़ी एक्शंस है इटोरो कॉइन बेस और जो बाइनेंस उनके ऊपर भी इस टोकन की लिस्टिंग पॉसिबल हो सकती है। देन यहाँ पे जो बड़ी लिस्टिंग है उसके ऊपर मेजर रीजन ये है कि भैया जो बेबी डोज कॉइन की डेवलपर टीम है कॉइन की सप्लाई को डिक्रीज करने में लगी हुई है और यहाँ पे जो है वो बेबी डोज कॉइन को बर्न भी किया जा रहा है बड़ी क्वान्टिटी के अंदर। ऐसे में 1 मिलियन फॉलोअर भी कंप्लीट हो चुके हैं, होल्डर्स की तादाद भैया दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती हुई जा रही है। ऐसे में इस चीज को नोट भी कर रही है और यहाँ पे बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग का सिलसिला भी स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा बात करते हैं शिबा इन कॉइन के कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिबा इन कॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा डंप नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियां आई है जो कि शिबा इन कॉइन का लोगो यूज करके अपने प्रोडक्ट को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड्स क्लोदिंग नोटिस रिक्वेस्ट टू लॉन्च शिबा इन थीम अपीरल्स। अब यहाँ पे जो है वो एक हैंड्स कंपनी ने शिबा इन कॉइन का जो एक पोर्टफोलियो उसको यहाँ पे भैया तैयार किया है और यहाँ पे जो आने वाली जो क्लोथिंग है उसके ऊपर शिबा इन कॉइन का लोगो बनाने की बात की गई है। उसके अलावा शिबा इन कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर मजीद जो चीज़ें वो आपको ऐड होती हुई नजर आएगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ द शिबोशी एनएफटीज फिट टू द शिबा इनो इकोसिस्टम फ्यूचर। अब यहाँ पे शिबा इन कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर जो शिबोशी एनएफटीज है उनका एक मेजर रोल है और यहाँ पे जो है वो शिबा इन कॉइन की शिबोशी गेम के अंदर और यहाँ पे शिबा इन कॉइन के मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर भी एनएफटी का काफ़ी ज़्यादा यूज भी होगा। उस एनएफटी का आप यूज़ करके अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना पाएंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शिबा इन कॉइन की प्राइस के अंदर आपको एक बार फिर अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। एफएक्स स्ट्रीट के आर्टिकल के अकॉर्डिंग शिबा इनु प्राइस प्रेडिक्शन शिब बुल्स पॉइज्ड फॉर द 44% अप स्विंग। अब यहां पे शिबा इनु कॉइन का जो एक प्राइस है उसके अंदर एक बार फिर से एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि जो शिबा इनु कॉइन का नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे बताया गया है 0.0005। अब यहाँ पे शिबा इन कॉइन के होल्डर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। रिसेंटली जो मार्केट के अंदर क्रेश आया हुआ उसकी वजह से जो है वो शिबा इन कॉइन की प्राइस के अंदर भी आपको डंप नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्द रिकवरी भी होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में अगर आप चाहें तो बाइनेंस एक्सचेंज का यूज करके अपने टोकन्स को स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। 104% यहाँ पे एपीआई मिल रहा है और यहाँ पे बाइनेंस से भी आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं शिबा इन कॉइन से। और यहाँ पे जो है वो 104 एपीआई बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर आप चाहें तो शिबा इन कॉइन को सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर स्टेकिंग के ऊपर लगा के भी अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। आई होप कि आपको शिबा इन कॉइन की और बेबी डोज कॉइन की न्यूज काफी हद तक पसंद आई होगी। अगर इन दोनों टोकन्स के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।